बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैथ के कोचिंग में ज्यादा भीड़ होता है, बायोलॉजी के कोचिंग में ज्यादा भीड़ होता है, फिजिक्स के कोचिंग में ज्यादा भीड़ होता है, केमिस्ट्री में कम भीड़ होता है। तो आप लोग भीड़ देख के समझ सकते हैं केमिस्ट्री भी स्टूडेंट जोरों शोरों से पढ़ते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। एक तरह से देखा जाए केमिस्ट्री का भी बहुत ज्यादा यूज पड़ता है लाइफ में। तो ये भीड़ आप लोग देख के समझ सकते हैं सभी स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं कि नहीं जी। यहाँ पढ़ाई कैसा होता है और भी शिक्षकों में और सर के पढ़ाने में क्या अंतर? सर के पढ़ाने का तरीका अलग है और वो बहुत ही अलग ही कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं और समझाने का तरीका अलग है। अगर कोई डाउट भी क्वेश्चन हो तो सर उसके लिए टाइम देते हैं और आसानी से हर एक बच्चा समझ पाए उस लैंग्वेज में समझाते हैं। ये जो मॉड्यूल तैयार किया गया है, इस मॉड्यूल में NCERT बेस्ड और कॉम्पिटिटिव लेवल बेस्ड जितने सारे टॉपिक्स है सबको डील किया गया है। उससे रिलेटेड डेली प्रैक्टिस पेपर है और साथ में एक्सरसाइज भी दिया गया है। उसके लास्ट में JEE के बुक में JEE का आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया है, इवन मेंस और एडवांस का, और नीट वाले में आपको नीट का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऐड किया गया है और जितने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है सबको एक कॉलम में फिक्स करके रखा गया है इस बुक में। यहाँ पे देख लीजिए सभी स्टूडेंट लोग का डिसिप्लिन आप लोग देख के समझ सकते हैं। सभी कोई स्टूडेंट समझ जाइए सभी कोई दूर दूर से आते हैं, पूरा मन से तैयारी करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे स्टूडेंट लोग को पढ़ के कैसा लगता है। हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं गोपालगंज में। अभी हम जिस चीज का ब्लॉग बनाने आए हुए हैं आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एटॉमिक केमिस्ट्री। बात किया जाए एस कुमार सर पढ़ाते हैं यहाँ पे। चलिए अंदर चल के सभी बच्चे लोग से हम फीडबैक लेते हैं सर का पढ़ाने का तरीका कैसा, सारा चीज आप लोग को बताते हैं वीडियो में। किया जाए स्पेस का। स्पेस का दोस्तों देख लीजिए कमी नहीं है। ये जितना आप लोग साइकिल देख रहे हैं ये पूरा बच्चे लोग का साइकिल है। इधर बाइक लगा सकते हैं लोग, आप लोग इधर साइकिल लगा सकते हैं। स्पेस का कोई कमी नहीं है दोस्तों। ये हो गया आप एक तरह से देखा जाए तो पार्किंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई साइकिल और बाइक लगाने का कोई पार्किंग चार्ज नहीं लिया जाता है और यहीं से क्लासरूम स्टार्ट होता है और सर पढ़ा रहे और बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए अंदर चल के अंदर का हम पूरा व्यू दिखाते हैं। अगर एड्रेस का बात कर दिया जाए दोस्तों, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजिंग होगा आप लोग आइएगा जंगलिया मोड़। कोई से भी पूछिएगा एटॉमिक केमिस्ट्री हमें जाना है, कोई भी स्टूडेंट बता देंगे, कोई दुकानदार बता देंगे और कहिएगा एस कुमार सर के पास हमें जाना है। नाम ही काफी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जान जाइए हजारों की संख्या में स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। अभी ना जाने कई हजारों स्टूडेंट को सर पढ़ा चुके हैं, अच्छा मुकाम पे ला चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से रिजल्ट दे चुके हैं। एक चीज और बता दे दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं 11th 12th के साथ साथ JEE और नीट का भी तैयारी यहाँ पे कराया जाता है। और सर जो है जैसे डॉक्टर लोग कैसे होते हैं, हड्डी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, नस का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उसी तरह सर केमिस्ट्री का भी स्पेशलिस्ट है। यहाँ पे आप लोग आइएगा तो अगर केमिस्ट्री में आप लोग को डर लगता है, केमिस्ट्री से आप लोग दूर भागते हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं केमिस्ट्री सीखना एक बार जरूर यहाँ पे आइए। क्योंकि आप लोग को जैसे ही आप लोग आइएगा एक सप्ताह पढ़िएगा केमिस्ट्री लगेगा कुछ नहीं है, इस लेवल का सर पढ़ाते हैं। आप लोग आइए पढ़िए। चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं क्लासरूम में और एक तरह से देखा जाए ये जो टाइमिंग है बच्चे लोग का बहुत ही ज्यादा कीमती टाइमिंग है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे तैयारी करने के लिए। और एक चीज हम बात बता दें, अभी सर पढ़ा रहे थे लेकिन क्लास रुका कर हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हर स्टूडेंट का मन में एक मतलब उम्मीद लेके आते हैं आज हम जाएंगे तो कुछ सीख के आएंगे। तो इनका हम समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, मात्र 5 मिनट का हम टाइम मांगे हुए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए सभी स्टूडेंट लोग का डिसिप्लिन आप लोग देख के समझ सकते हैं। सभी कोई स्टूडेंट समझ जाइए सभी कोई दूर दूर से आते हैं, पूरा मन से तैयारी करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे स्टूडेंट लोग को पढ़ के कैसा लगता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? विवेक कुमार। कहाँ से आप आते हैं? अमेठी। एक तरह से देखा जाए तो कितना किलोमीटर पड़ेगा अमेठी? लगभग 4 से 5। तो जैसा कि दोस्तों 4-5 किलोमीटर दूर से आते हैं और 4-5 किलोमीटर दूर से ही नहीं बहुत दूर दूर से स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। एक बार सब कोई बताइएगा ठीक, कितना स्टूडेंट है जो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से आते हैं? हाथ उठाइएगा। कितना स्टूडेंट है जो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस से आते हैं? और कितना स्टूडेंट है जो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस से आते हैं? और कितना स्टूडेंट है जो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस से आते हैं? तो जैसा कि दोस्तों 20 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी स्टूडेंट आते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो 20 किलोमीटर आना हो गया, 20 किलोमीटर जाना हो गया, टोटली मिलाया जाए तो 40 किलोमीटर हो गया।
बहुत सारे स्टूडेंट लोग पटना और दिल्ली जाके तैयारी करते हैं और रूम तर से कोचिंग का डिस्टेंस 500 मीटर ही रहता है, फिर भी वो कोचिंग नहीं जा पाते हैं। सोचते हैं धूप ज़्यादा है, 500 मीटर हम पैदल नहीं चलेंगे। और यहाँ स्टूडेंट लोग का आप लोग जुनून देख के समझ सकते हैं, 20 किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ पे क्लास करने के लिए और फिर यहाँ से जाते हैं, तो यानी टोटली मिलाया जाए तो 40 किलोमीटर हो गया। और हम एक चीज़ आप लोग को बताना चाहेंगे, यहाँ के स्टूडेंट लोग सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करना होता है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो चारों तरफ गोपालगंज, ये जो शहर है गोपालगंज शहर के चारों तरफ विलेज एरिया है। और विलेज एरिया में क्या होता है, स्टूडेंट लोग को पढ़ाई भी कर लेना होता है और पढ़ाई के साथ साथ कुछ घर पे काम भी करना होता है, क्योंकि शहर में क्या होता है, स्टूडेंट लोग को सिर्फ पढ़ना ही होता है और उसमें भी स्टूडेंट लोग नहीं पढ़ते हैं, रूम में सिर्फ मोबाइल चलाते हैं। हम सब स्टूडेंट को नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट यही काम करते हैं शहर में, कहीं घूमने चले जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं और पढ़ाई बहुत कम करते हैं। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट लोग आप लोग जुनून देख के समझ सकते हैं, बहुत दूर दूर से आके तैयारी करते हैं। हमें यहाँ आके काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो हर चीज समझ में आता है कि नहीं? जी, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया। यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है, क्या नाम पड़ेगा आपका? नाहिदा परवीन। एक चीज आपसे हम पूछेंगे, एक तरह से देखा जाए तो गोपालगंज में जो भी कोचिंग संस्थान है हिंदी मीडियम में तैयारी कराते हैं, लेकिन सर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम का भी तैयारी कराते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश में। अब जी बात किया जाए, यहाँ आप इस कोचिंग के बारे में आपको कैसे पता चला? फ्रेंड्स लोग के से, मतलब पहले वो पढ़ाई किए थे यहाँ पे? हाँ। तो वही लोग बताएं, आप यहाँ पे जाइएगा तो अच्छा रिजल्ट हो जाए। हाँ। तो यहाँ जिस उम्मीद से आप आए, आपको मन में लग रहा है कि नहीं वो चीज हमारा पूरा हो जाएगा? वो लग रहा है, हो जाएगा। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? एक तरह से देखा जाए केमिस्ट्री ऐसा चीज है बहुत कम स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप लोग को जीता जगता एग्जाम्पल आप लोग को दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये केमिस्ट्री का ही स्टूडेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैथ के कोचिंग में ज्यादा भीड़ होता है, बायोलॉजी के कोचिंग में ज्यादा भीड़ होता है, फिजिक्स के कोचिंग में ज्यादा भीड़ होता है, केमिस्ट्री में कम भीड़ होता है। तो आप लोग ये भीड़ देख के समझ सकते हैं केमिस्ट्री भी स्टूडेंट जोरों शोरों से पढ़ते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। एक तरह से देखा जाए केमिस्ट्री का भी बहुत ज्यादा यूज पड़ता है लाइफ में। तो ये भीड़ आप लोग देख के समझ सकते हैं सभी स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं कि नहीं जी? यहाँ पढ़ाई कैसा होता है आप लोग फीडबैक देख के समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? पुतुल कुशवाहा। यहाँ सर जो पढ़ाते हैं तो औरों के अपेक्षा यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे डिटेल में पूरा पढ़ाते हैं एंड देन प्रॉब्लम भी होता है उसको अच्छे से समझाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो स्टूडेंट कॉपी भी लेके आते हैं, यहाँ पे नोट्स में पूरा सारा चीज लिखते हैं। औरों के अपेक्षा मतलब क्या कुछ खास लगा ये केमिस्ट्री क्लास में जो आप यहाँ पे आए? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन गोपालगंज एटॉमिक एस कुमार सर। अच्छा। इनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और ये जो भी कुछ बताते हैं हम लोगों को सभी स्टूडेंट को सबसे बढ़िया समझ में आता है। तो कैसे पता चला कोचिंग के बारे में? यहाँ पे हमारे भैया पढ़े हुए हैं, वही बोला कि एस कुमार के पास जाना। कितना मार्क्स आया भैया का? 400 प्लस आया था। वाह, दोस्तों देख लीजिए। और भैया भी यही पढ़ाई किए थे? कहीं ना जाना एस कुमार गोपालगंज तो बेस्ट टीचर है। आप भी मार्क्स लाइएगा कि नहीं? यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाने का तरीका कैसा? मतलब सर डीपली से बताते हैं, बहुत मतलब एक पार्ट डीपली से बताते हैं। बात किया जाए पटना हो गया दिल्ली हो गया, यही पढ़ाई का फी 50,000-60,000 रुपया ले लिया जाता है, लेकिन सर यहाँ जेन्युइन फी लेते हैं कि नहीं? यस सर। मतलब कम से कम पैसा में पढ़ा देते हैं। चलिए पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा। तो यहाँ दोस्तों सभी स्टूडेंट से अगर हम एक एक करके फीडबैक लेंगे तो यहाँ हम सच बोल रहे हैं पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट का आप लोग फीडबैक दे के समझ सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट लोग बैठे हैं, खड़ा होइएगा। क्या नाम पड़ेगा? संतोष कुमार। पढ़ाई कैसा होता है यहाँ? बहुत अच्छा होता है। क्या कहना चाहिएगा जो भी व्यूअर लोग देख रहे हैं, यहाँ पढ़ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, अच्छा पढ़ाई होता है। तो आपको क्या कुछ खास लगा यहाँ पे आकर? खास लगा कि अच्छे से पढ़ाई होता है यहाँ पर, समझ आ जाता है। मान के चलिए आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो गोपालगंज में और भी तो कोचिंग संस्थान है केमिस्ट्री का, तो और शिक्षक में और सर में क्या अंतर है? सर में हमको अंतर लगा कि सर हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, हर एक का मतलब कुछ भी हार्ड बारीकी से बताते हैं। कुछ टॉपिक में कुछ छोड़ते नहीं? नहीं, टॉपिक में कुछ नहीं छोड़ते, यानी जितना है सब बताते हैं। बिल्कुल आसानी से बता समझ आ जाता है। और फॉर्मूला याद करवाते हैं कि नहीं? हाँ याद करवाते हैं। यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कैसा होता है यहाँ? यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। जो भी स्टूडेंट लोग देख रहे हैं क्या मैसेज देना चाहिएगा वीडियो के माध्यम से? यही कहना चाहते हैं हर स्टूडेंट यहाँ पे आकर पढ़ना चाहिए, सर आके पास में सबको समझाते हैं, अच्छे से पढ़ाता है, कोई भी दिक्कत हो सॉल्व आकर सामने से सॉल्व करके जाता है। आप किनके माध्यम से आए हैं? अपने भाई के माध्यम से। हमारे भाई यहाँ 3 साल पढ़ा है, पिछले बार
क्लियर किया है, नीट भी क्रॉस किया, तो मतलब वो अच्छा मार्क्स लाए हैं, नीट भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तब आप यहाँ पे आए, तो आपको पूरा मतलब जोश जुनून है, नीट निकाल देना। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम अनिकेत कुमार। तो जैसा कि दोस्तों हमारा भी अंकित नाम है, इनका भी अंकित नाम है, काफी अच्छा लगा इनसे मिलके। और यहाँ पे स्टूडेंट लोग का समझ जाइए, पूरा हब है और सभी स्टूडेंट लोग जोरों शोरों से तैयारी करने आते हैं। कहाँ से आप आते हैं? हम थावे से आते हैं। तो थावे से यहाँ आते हैं, तो थावे में कैसे पता चला यहाँ पे ये पढ़ाई होता है? मेरी दीदी यहाँ पे पढ़ चुकी है पहले। अच्छा, तो वही बताई कि आप तुम जाओ एस कुमार सर के पास, उनके पास पढ़ो। तो जैसा कि दोस्तों इतना अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है, यहाँ जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई के दीदी पढ़ी है, कोई के भैया पढ़े हैं, और सब कोई सर मेहनत किए हैं, आज उसी का फल है जो स्टूडेंट सक्सेस किए हैं, भाई बहन को भेज रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए। दोस्तों यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है, क्या नाम पड़ेगा? अनुराग कुमार मिश्रा। बात किया जाए, आप कहाँ से आते हैं? कुचायकोट से। यानी सासा मुसा के आगे कुचायकोट, वहाँ से आते हैं। कैसे पता चला सर के बारे में? भैया लोग पढ़े हुए हैं इस, इनसे मेरे से पहले भैया लोग पढ़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है। और गोपालगंज में तो और भी केमिस्ट्री का टीचर है, लेकिन उनके मुकाबला किया जाए सर का, तो सर का पढ़ाने का तरीका? भैया यहाँ से पढ़ के टॉप किए थे, इसीलिए टॉप किए। आपको भी टॉप करना है? हाँ करना है। उस लेवल का आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। कैसा पढ़ाते? बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और भी शिक्षकों में और सर के पढ़ाने में क्या अंतर? सर के पढ़ाने का तरीका अलग है और वो बहुत ही अलग ही कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं और समझाने का तरीका अलग है। अगर कोई डाउट भी क्वेश्चन हो तो सर उसके लिए टाइम देते हैं और आसानी से हर एक बच्चा समझ पाए उस लैंग्वेज में समझाते हैं। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा मतलब स्टूडेंट लोग का फीडबैक आ रहा है, और ये हम नहीं स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जेन्युइन पढ़ाई होता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित तिवारी। कहाँ से आए हुए हैं आप? कुचायकोट। तो कुचायकोट उतना दूर से क्या चीज से आते हैं? ऑटो से आते हैं, फिर बस से सुबह पढ़ने। मान के चलिए कभी कभी ऑटो नहीं मिलता होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। इन्फा और इंस्ट्रक्शन कैसा है यहाँ पे? इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हर एक बच्चे एक मतलब सर से कुछ भी पूछ सकते हैं। सर हम लोग को स्टार्टिंग में बोलते हैं कि हम हर टाइम आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप जब भी जो भी पूछ सकते हैं हमसे। तो जब आप लोग को डाउट होता होगा तो सर आप लोग को स्पेशल टाइम देते हैं? एकदम स्पेशल टाइम हर वक्त देते हैं, जब भी एक क्वेश्चन अगर आपको 5 बार समझना है तो सर बताएंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ के स्टूडेंट से मिल के हमें लग रहा है, सभी स्टूडेंट एक तरह से देखा जाए आने वाले समय में बहुत ही अच्छा मुकाम पे जाने वाले हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट जोरों शोरों से तैयारी यहाँ कर रहे हैं और मेहनत ही काम अभी के समय में लाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी के समय में देखा जाए शिक्षा है तो सब है, ये बात मानती है? अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ नहीं इस जीवन में शिक्षा के बगैर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप लोग का कीमती समय हम ले रहे हैं, तो फिर भी आप लोग को कोई तरह का कोई दिक्कत तो कत नहीं ना? 5 मिनट आपका समय लिए? नहीं। बात किया जाए सर पढ़ाते कैसे? सर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में क्या होता है, बहुत सारे टीचर लोग अगर टाइमिंग रहता है 7 से 8 तो टीचर लोग आते हैं 7:30, तो सर अपना जेन्युइन टाइम में आ जाते हैं? सर आ जाते हैं, टाइम पे आ जाते हैं। यानी पूरा टाइम पढ़ाते हैं? पूरा टाइम पढ़ाते हैं। मतलब बोला जाता है 1 घंटा, बहुत सारे कोचिंग में आधा घंटा पढ़ाई होता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं, यहाँ पे वैसे कुछ नहीं, हर चीज को बारीकी से पढ़ाया जाता है। हाँ, का तरीका बहुत अच्छा है। बात किया जाए टाइम टेबल का, सर अपने टाइम पे पूरा मतलब उतरते हैं कि नहीं? हाँ सर अपने टाइम पे पूरा उतरते हैं, और हमारा पढ़ाई शुरू से पढ़ाई होता है, पढ़ाई से ही शुरुआत होता है, पढ़ाई से ही अंत होता है, नहीं? हाँ, क्योंकि जैसे ही आप लोग आते हैं तो पढ़ाई सर एकदम स्टार्ट कर देते हैं और पूरा अपना टाइम देकर पूरा पढ़ाते हैं, नहीं? हाँ ऐसा ही होता है, और जैसे किसी स्टूडेंट का डाउट फंसता है तो वो सर से क्लास के अंत में आकर मिलता है और सर उसे बहुत बारीकी से समझाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों एक एक करके अगर स्टूडेंट लोग से फीडबैक लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट लोग इतना ज्यादा है, सब कोई से तो पूछ नहीं सकते हैं। आइए एक बार हम पूछते हैं, सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? दोस्तों आप लोग फीडबैक देके समझ सकते हैं, सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? तो जैसा कि दोस्तों वाकई में सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो सभी बच्चे लोग से फीडबैक लेने के बाद अभी हम आ चुके हैं सर के पास, और सर का हम सबसे ज्यादा कीमती समय ले रहे हैं, और सर का भी ले रहे हैं और स्टूडेंट लोग का भी कीमती समय ले रहे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट कुछ उम्मीद लेके आते हैं, आज हमें कोचिंग में कुछ ना कुछ सीख के जाना है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर, क्या सफर रहा सर अभी तक? पिछले 1 दशक से पढ़ा रहे हैं, 1 दशक में इतने सारे बच्चों के साथ सफलता और के साथ समय बीता है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा। है बात किया जाए सर शुरुआत यहीं से किए थे? हाँ गोपालगंज से ही शुरुआत किए थे, 2012 से पढ़ा रहे हैं लगातार। एक बात और बताइए सर, 2012 में कितना स्टूडेंट से शुरुआत किए? एक स्टूडेंट से।
एक स्टूडेंट से आज देखा जाए आपका पढ़ाने का मतलब परिणाम है, अभी स्टूडेंट लोग का बैठने का जगह नहीं मिल पाता, तो ये सब आपका मेहनत है और स्टूडेंट लोग का भी योगदान है। जाहिर सी बात है बच्चों का ज्यादा मेहनत इसमें काम आता है, बच्चे ही अगर मेहनत ना करें तो शिक्षक क्या कर सकता है, हम लोग तो उनकी सहायता मार्गदर्शन दिखाते हैं। बात किया जाए सर, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, हम लगभग 15 से 20 स्टूडेंट से पूछे, सभी स्टूडेंट का यही जवाब था। हम ये भी क्वेश्चन किए गोपालगंज में और भी तो केमिस्ट्री का कोचिंग है लेकिन सर पढ़ाते हैं उनका मतलब कंसेप्ट कैसा लगता है, तो सभी स्टूडेंट बता रहे थे कंसेप्ट सर का बहुत ही अच्छा है, तो आप सर किस कंसेप्ट को पढ़ाते हैं जो बच्चा इतनी तारीफ करता है? देखिए बाकी जगह की तो बात नहीं करेंगे लेकिन हम कोशिश करते हैं बच्चों को बेसिक लेवल से उनको कम्पिटेटिव लेवल तक का जो भी नॉलेज है उसको दिया जाए। अच्छा। जो भी टर्म है बेसिक लेवल से लेकर के कम्पिटेटिव लेवल तक, इवन जो बच्चे वीक स्टूडेंट हैं उनको भी ध्यान रखा जाता है इस चीज़ को लेकर के, उनको वन बाई वन करके उनको समझाया जाता है, जो वीक स्टूडेंट है उनको भी, जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होते हैं उनके लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा उनको गाइडलाइन कर दीजिए तो कर लेते हैं, लेकिन खासकर मेहनत करने की जरूरत होती है वीक स्टूडेंट के पास, जो वीक हैं उनको वन बाई वन करके गाइडलाइन किया जाता है, हर चैप्टर के बाद में कम्पिटेटिव लेवल का सिलेबस का जो क्वेश्चन है उसको कराया जाता है, कोशिश किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उस चीज़ को समझाया जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट को देखा जाता है सर फिजिक्स को ज़्यादा मतलब वैल्यू देते हैं, मैथ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बायोलॉजी को भी ज़्यादा वैल्यू देते हैं, केमिस्ट्री को कम वैल्यू क्यों देते हैं, थोड़ा वीडियो में बताना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है बच्चे बायोलॉजी और मैथ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट कम रहता है, कारण ये है कि जो टर्म है टर्मोलॉजिकल टर्म है केमिस्ट्री का और फिजिक्स का थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन होता है जिस, और खासकर एक्सेप्शन वाले टर्म आता है तो उन लोगों का मतलब क्या कहा जाए उनको समझने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, उस चीज़ को केयर नहीं कर पाते हैं। एक तरह से हमें ये भी लगता है सर बहुत सारे स्टूडेंट लोग को मार्गदर्शन नहीं मिला हुआ रहता है, उन लोग को ये पता नहीं रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ अगर अच्छा हो जाएगा तो इतना सारा चीज़ पढ़ने से हम क्या मतलब मुकाम हासिल कर पाएंगे, ये सारा चीज़ पता नहीं रहता है स्टूडेंट लोग को, इसके वजह से भी केमिस्ट्री स्टूडेंट को छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन अगर पता चल जाएगा केमिस्ट्री पढ़ने से ये फायदा है तब वही स्टूडेंट केमिस्ट्री को भी जोरों शोरों से पढ़े। देखिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस अब हमारे लाइफ में क्या है वो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक तब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और जो प्राइमरी सेक्शन से है 6, 7, 8, 9 के बच्चे हैं उन पर ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है ताकि वो साइंस की तरफ से रुझान दें। अभी तक जो बच्चे आते हैं मैक्सिमम बच्चे याद करके पढ़ना चाहते हैं जो साइंस को कर नहीं सकते हैं, साइंस को समझ करके याद रख सकते हैं, रट के याद नहीं रख सकते हैं, वहीं पर बच्चों को साइंस में थोड़ी सी रुचि कम होने लगती है, वही कोशिश किया जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझें, याद कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस चीज़ को समझें, समझेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। एक क्वेश्चन और रहेगा सर, केमिस्ट्री पढ़ने से स्टूडेंट लोग के मार्गदर्शन में क्या क्या मतलब सफलता आएगी थोड़ा बताना चाहेंगे? देखिए केमिस्ट्री पढ़ने से बहुत सारी कोर्सेस हैं जिसको आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी कोर्सेस हैं, इवन आपको जब भी आपको IIT करना हो, NEET करना हो या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देना हो उसमें केमिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। केमिस्ट्री जैसे IIT में 1/3 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होता है, NEET में 1/4 क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही होता है, उसके लिए तो पढ़ना जरूरी है ही है। इसके अलावा केमिस्ट्री से बहुत सारी कोर्सेस है जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है जिसको आप कर सकते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री है जिसमें एक अच्छा स्कोप बन रहा है वो कर सकते हैं, फार्मालॉजिकल में कर सकते हैं जैसे बी फार्मा एम फार्मा वो कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी कोर्सेस है, एग्रीकल्चर में आपका फर्टिलाइजर टर्म है उसके कर सकते हैं, बहुत सारी कोर्सेस है जो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई कोर्सेस हैं और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही आप उस यही सारा चीज़ स्टूडेंट लोगों से पता नहीं रहता है इसीलिए वो लोग मतलब केमिस्ट्री थोड़ा ध्यान कम देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें आकर पता चल रहा है केमिस्ट्री को भी चाहने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बैठने का जगह नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री का भीड़ है। इनको देखिए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में पता है कि केमिस्ट्री के क्या इम्पोर्टेंस है इसलिए बच्चे पढ़ने आते हैं, और हम लोग से की तरफ से भी कोशिश किया जाता है कि जो बच्चे सोच के आए हैं उसके ऊपर हम लोग खड़े उतरें और अच्छे से उन चीज़ को समझाएं। तो जितना भी सारा चीज़ है सर ज़्यादातर आप क्या करते हैं, जैसे किताबी क्वेश्चन को ज़्यादा कराते हैं या प्रैक्टिकल एजुकेशन ज़्यादा? देखिए दोनों तरीके का क्वेश्चन कराया जाता है, दोनों तरीके का क्वेश्चन कराया जाएगा, प्रैक्टिकल टर्म्स भी बताया जाता है और जो थ्योरेटिकल टर्म्स है उसको भी बताना बहुत ज़रूरी है, जब तक थ्योरेटिकल टर्म्स हम लोग नहीं जानेंगे प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग को थ्योरेटिकल टर्म्स भी बताना पड़ता है और बताना ज़रूरी भी है, तो उस चीज़ को किया जाता है। बात किया जाए सर बैचेज का, टोटल बैचेज कितना चलती है? हमारे पास 12th की बैचेज 6 हैं और 11th की बैचेज 2 हैं। अच्छा,
ये बैचेज हो गए और एड्रेस हो गया जंगलिया मोड़, जंगलिया मेन रोड गोपालगंज। और कोई भी यहाँ पे आकर आपका नाम लेंगे, कोचिंग का नाम लेंगे, कोई भी बता देंगे, तो एड्रेस पता चल जाता है। यहाँ पर बच्चों के लिए लगभग सभी सुविधाएं दी जाती है जो आप दिल्ली और कोटा में पटना में मिलता है, वो सभी सुविधाएं दी जाती है। यहाँ पर उनको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से उनको ऑडियो विजुअल टर्म्स को समझाया जाता है, खासकर प्रैक्टिकल टर्म्स को वीडियो लेक्चर के फॉर्म में उनको समझाया जाता है। उनको असाइनमेंट दिया जाता है, उनको मॉड्यूल दिया जाता है जो गोपालगंज में सिर्फ हम ही देते हैं, मॉड्यूल बाकी कहीं नहीं मिलता है। जैसे आपको पटना में, दिल्ली में, कोटा में, जितने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है सब में सब प्रोवाइड किया जाता है, वो सभी सुविधाएं दी जाती है एक्सेप्ट एसी को छोड़ के। अच्छा, एक तरह से देखा जाए एसी मायने नहीं रखता है, मायने रखता है एजुकेशन क्या यहाँ पे मतलब डिलीवर किया जा रहा है, क्या स्टूडेंट प्राप्त करके जा रहे हैं वो मायने रखता है, क्योंकि जो पसीने से नहाता है वो एक नहीं है सर क्या। हाँ, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास लिखता है। शायरी हमको आता नहीं है। एक क्वेश्चन और रहेगा सर, बहुत सारे स्टूडेंट टेंथ यहाँ से पास आउट हो जाते हैं और गार्जियन लोग को जिद करने लगते हैं हम पटना पढ़ेंगे, हम कोटा पढ़ेंगे, तो वह स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं पटना और कोटा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख कर फिसल जाते हैं और गार्जियन से 1.5-2 लाख रुपया भी दिलवा देते हैं, और पता चलता है कि वहाँ पे उन लोग का मतलब हर सब्जेक्ट पूरा मतलब इतना ना डाउट हो जाता है कि वह स्टूडेंट परेशान होकर वापस घर भी आ जाते हैं। तो बात किया जाए वहाँ की अपेक्षा यहाँ की अपेक्षा में देखा जाए तो यहाँ पे किस लेवल का तैयारी कराया जाता है, जो स्टूडेंट उम्मीद लेके पटना और कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वही स्टूडेंट अगर यहाँ आके पढ़ेंगे तो वहाँ का पढ़ाई यहाँ मिल जाएगा कि नहीं। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर पटना और कोटा जैसी सभी सुविधाएं जो आपको पटना और कोटा में मिल सकती है हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, वो भी मिनिमम फी में। अच्छा। वहाँ पर जो आप जैसे आपने कहा कि 1.5-2 लाख-3 लाख फी पे करते हैं, हम लोग यहाँ मिनिमम फी में उनको सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। बस इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उन लोगों के जैसा नहीं है, एसी नहीं है जैसा हमने कहा भी, बाकी जितनी सारी एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज है सारा चीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। एक चीज और पूछेंगे सर, जो आप बुक खुद का मतलब बनवाए हुए हैं वो सारा चीज आप ही मतलब? हाँ, मैक्सिमम कंटेंट मेरा है। आपका कंटेंट मैक्सिमम? अगर उस कंटेंट पे बच्चे लोग अगर खड़ा उतर गए तो केमिस्ट्री उनका पानी पानी हो। अगर उस कंटेंट पे वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, उस कंटेंट को रिवाइज कर लेते हैं, उस कंटेंट को समझ लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि उनको केमिस्ट्री में मतलब 12th लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कहीं दिक्कत हो। और एक क्वेश्चन और है सर, जो भी मान के चलिए एक तरह से देखा जाए गोपालगंज के चारों तरफ 4 किलोमीटर के दायरे पे गांव पड़ता है, तो जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो अपने अगर बेटे को यहाँ भेजेंगे तो उनके बारे में क्या करना चाहिए, जो गरीब परिवार से स्टूडेंट यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए उनके बारे में क्या फैसिलिटीज है? देखिए, हम लोग ऑलरेडी एक मिनिमम फी में पढ़ाते हैं, पटना और दिल्ली कंपेयर में समझ लिए तो न के बराबर हम लोग फी लेते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट मिलता है जो वीक फैमिली से बिलोंग करता है तो उनके लिए हम लोग स्पेशल डिस्काउंट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पे नहीं कर सकते तो उनको फ्री में भी पढ़ाते हैं। और है सर, आपका शिक्षा कहाँ से हुआ है? देखिए, प्राइमरी शिक्षा तो हमारे गांव से ही बिलोंग की है 8 तक, उसके बाद हम लोग बाहर गए पढ़ने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने आपको ग्रेजुएट डिग्री किया, मास्टर डिग्री किया, उसके बाद से आकर यहाँ पढ़ना, यानी हर जगह का एक्सपीरियंस लेते हुए यहाँ पे आप डिलीवर दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, सर जो बुक बनाए हैं, सर बुक के बारे में कुछ बताने वाले हैं। ये जो मॉड्यूल तैयार किया गया है, इस मॉड्यूल में एनसीईआरटी बेस्ड और कॉम्पिटिटिव लेवल बेस्ड जितने सारे टॉपिक्स है सबको डील किया गया है, उससे रिलेटेड डेली प्रैक्टिस पेपर है और साथ में एक्सरसाइज भी दिया गया है। उसके लास्ट में जेई के बुक में जेई का आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया है, इवन मेंस और एडवांस का, और नीट वाले में आपको नीट का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऐड किया गया है, और जितने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है सबको एक कॉलम में फिक्स करके रखा गया इस बुक में। तो चलिए सर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ऐसे ही स्टूडेंट लोग को शिक्षा देते रहिए और स्टूडेंट लोग का भविष्य बनाते रहिए। आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।